शिक्षा के क्षेत्र में IIU इंटरनेशनल इंटर्नशिप यूनिवर्सिटी पीयूष पंडित जी ने बहुत कुछ एक पहल एक मुहिम शुरू की है और उसी के तहत चलते आज हम डॉक्टर अमित कुमार मिश्रा से ये प्रश्न पूछेंगे कि क्या डिजिटल लिटरेसी जो है वो देश को कहाँ तक आगे बढ़ाने में सक्षम है। मैम सबसे पहले तो बधाइयाँ देना चाहूँगा ऑर्गेनाइजेशन को पूरे आप सब लोगों को कि इसके बारे में सोचा गया। आप डिजिटल अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। हम गाँव की बात करें तो गाँव में भी डिजिटल लिटरेसी पहुँच रही है, या लिटरेसी नहीं पहुँच रही तो कम से कम व्हाट्सएप और फेसबुक तो पहुँच ही चुका है। तो द वर्ल्ड इज डिजिटलाइज। आई थिंक सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है डिजिटल एजुकेशन का वो है कि आप कहीं से भी दुनिया में अपने कम्फर्ट पे सेल्फ पेस्ड लर्निंग कर सकते हैं। प्लस ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको शिक्षा का लेट्स से अवसर नहीं मिला क्योंकि आप अपने काम में बिजी हो गए, आप 9 to 6 क्लास में नहीं जा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी एड्रेस हो जाती हैं। तो डेफिनेटली ये एक भविष्य है, डेफिनेटली भविष्य है और हर एक किसी को इसमें अग्रसर होना चाहिए। इसी के साथ दूसरा जो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि लोग ट्रेडिशनल एजुकेशन के चक्कर में बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। यदि आपको एग्जाम्पल दूँ तो हर आदमी चाह रहा है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। अब देखिए हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता है, यह हमें मानना पड़ेगा। जिसके नंबर ही 70% आ रहे हैं, 80% आ रहे हैं, क्या वो डॉक्टर बन सकता है, क्या वो इंजीनियर बन सकता है? तो सवाल है कि शायद से बनने को तो बन जाएगा, लेकिन वो क्वालिफिकेशन वो क्वालिटी नहीं आएगी। अब उस केस में बच्चा क्या करता है, BA BCOM BSc कर लिया। मेरा किसी से ये कहना नहीं है कि ये बेकार की पढ़ाई है BA BCOM BSc, लेकिन स्किल तो आपके पास आई नहीं। तो जब स्किल आपको आई नहीं तो आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है आगे चल के, फिर आप परेशान होते हैं कि मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं आज भी बेरोजगार हूँ। तो इसलिए मैं ये भी सुझाव देना चाहूँगा कि आपको स्किल बेस्ड एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ना है। 12th क्लास के बाद यदि आप चाहें तो ऐसे कोर्सेज कीजिए जो स्किल से रिलेटेड हो। जैसे पर्टिकुलरली यदि मैं अपनी बात आपको बताऊं तो हम लोग होटल मैनेजमेंट में स्पेशलाइज करते हैं और बहुत अच्छी खूबी हमारे यहाँ की ये रही है कि हमारे बच्चे, जैसे आप लोग सारी दुनिया को कवर कर रहे हो, बिल्कुल इसी तरह हमारे बच्चे भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एंड हर घर शिक्षा हर घर रोशनी, इसी अभियान को लेके हम आगे चलेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइट। थैंक यू सो वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू।